राइटिंग और डायरेक्टिंग दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं, तो इंडिविजुअली उनके अपने चैलेंजेस रहे, राइटिंग के अपने चैलेंजेस टू फाइंड द टाइम, और डायरेक्टिंग के अपने चैलेंजेस, क्योंकि ये सब्जेक्ट LGBTQ है, तो मेरा चैलेंज ये था कि मेरे एक्ट्रेस कंफर्टेबल फील करें वो जब वो एक्ट कर रहे हैं. पर व्हेन आई मर्ज द टू टुगेदर, ये इजी रहता है. अगर आपने लिखा कुछ है और उसी को आप डायरेक्ट भी कर रहे हैं, तो वो इजीली और नेचुरली आ जाता है. आप अपने एक्टर्स को इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं अपनी एक्सपेक्टेशंस. तो हाँ, इंडिविजुअली उनके अपने अपने चैलेंजेस हैं, डायरेक्शन के अलग हैं, स्क्रिप्ट के अलग हैं, बट व्हेन यू मर्ज टुगेदर आई थिंक इट्स ईजियर टू डायरेक्ट योर ओन स्क्रीन प्ले. नहीं, सब्जेक्ट जब चूज़ किया था मैंने, तो कमर्शियल एलिमेंट को दिमाग में रख के नहीं चूज़ किया था. जब सब्जेक्ट चूज़ किया तो सिर्फ एक ही चीज़ थी कि एक आइडिया था दिमाग में और डिटर्मिनेशन थी कि करना है, बाकी चीज़ें इट विल फ्लो. तो ये एक आइडिया था. मैं फिल्म मेकिंग में भी, यू नो, फ्रॉम कमर्शियल परस्पेक्टिव मैं नहीं आई हूँ फिल्म मेकिंग में. आई वॉन्ट टू डू इट बिकॉज आई वॉन्ट टू डू इट, आई लाइक डूइंग इट. तो कमर्शियल सक्सेस आ जाएगी, इसके साथ नहीं आएगी तो अगली के साथ आ जाएगी. पर वो जो अब आप कुछ कर रहे हो, अगर उसमें इन्जॉयमेंट नहीं है, आप इन्जॉय नहीं कर रहे हो, तो उसको करने का मतलब नहीं है. और उसमें कोई मीनिंग नहीं है तो करने का मतलब नहीं है. दैट्स व्हाट आई फील. तो जब मैंने वो स्टार्ट किया था, ये सब्जेक्ट चूज़ किया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये यूनिक था, क्लोजर टू रियलिटी था, और मुझे लगा इस पर काम करना चाहिए, तो इसलिए मैंने किया. टफ दोनों रहे, जैसे मैंने बोला, सबके अपने अपने चैलेंजेस हैं. पर अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे लगता है शायद डायरेक्शन थोड़ी डिफिकल्ट रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस पर ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाता है. जब आप इंडिविजुअली काम करते हो ना, चीज़ ईजी होती है, क्योंकि किसी के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करना है जो आपके दिमाग में आ रहा है. यू आर ऑन योर ओन बॉस. बट डायरेक्शन में ऑफकोर्स आपको सब लोगों को साथ में लेके चलना है, तो वो थोड़े चैलेंजेस थोड़े बढ़ जाते हैं. तो अपने दोनों प्रोसेस के अपने चैलेंजेस हैं, इन्जॉयमेंट दोनों अपने प्रोसेस की है, लेकिन अगर कंपेयर करना है तो हाँ, डायरेक्शन थोड़ी डिफ़िकल्ट है कंपेयर टू स्क्रिप्ट राइटिंग. यस, एक तो ऑफकोर्स मैं इनकरेज करूँगी लोगों के आए, सिर्फ इस चीज़ को देख के नकारा ना करें कि LGBTQ फिल्म है. ये कोई भी ऐसे ही LGBTQ फिल्म नहीं है, इसमें एक मैसेज है. तो आए और वो देखें, और जब वो फिल्म देखेंगे ना, वो एक बार तो एक थॉट के साथ निकलेंगे सिनेमा से कि हाँ, ऐसा होता है, हमने ध्यान क्यों नहीं दिया, और ऐसा भी हो सकता है. मे बी द वे दे गोना स्टार्ट लुकिंग एट पीपल, वेदर इट्स अ मेल और फीमेल और गे इंडिविजुअल, एक बार आएगा उनके थॉट में कि हाँ यार, ऐसा भी हो सकता है, और वो मेरी फिल्म देखकर आएगा. उनको मुझे उम्मीद है कि वो जब सिनेमा से निकलेंगे, वो एक थॉट के साथ निकलेंगे. तो ऑल आई वुड से कि प्लीज़ कम एंड वॉच द फिल्म, प्लीज़ डू.